जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के अंदर अपना वक्त देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको अहमियत देते हैं, वो उतनी ही बेहतर होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आई एम FCPS साइकाइट्री, आई एम फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, आई एम मेम्बर ऑफ पाकिस्तान साइकाइट्रिक एसोसिएशन। मैं शोबा नफ्सियात के साथ या ज़ेहनी अमराज के शोबे से तकरीबन 10 साल से वाबस्ता हूँ। इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक करती हूँ जिसका नाम साइक इंटेलेक्ट्स है। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। तमाम ज़हनी अमराज जो हैं वो अपनी एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं और वो तमाम ही जो हैं वो मेरी डोमेन में आते हैं। इनमें जो मेजर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत कॉमनली सुनते होंगे एन्जाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में या फोबियाज़ के बारे में। ये तमाम जो हैं वो शोबा नफ्सियात के साथ एसोसिएट हैं और मैं इनमें एक्सपर्टीज रखती हूँ। इसके अलावा चाहे एडल्ट हों, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, या ख़वातीन हों या जच्चा बच्चा हों, इनके तमाम की जो ज़हनी अमराज से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उन सबको मैं डील करती हूँ। आजकल हमारे इस तेज़ी के दौर में या इस वक्त जो पेंडेमिक का एरा जो एक आया हुआ है, इसकी वजह से ज़हनी अमराज बहुत हद तक बढ़ गए हैं और इनके ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे डिप्रेशन, एन्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारे ख़ास तौर पे कोरोना से रिलेटेड ही फोबियाज को आप ले लें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उभर के सामने आ रही हैं। इसके अलावा भी ज़हनी अमराज जो हैं वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस्मानी अमराज तो हमें नज़र आ जाते हैं लेकिन ज़हनी अमराज वो हैं जिनको ना हम सिर्फ जिसको होते हैं वही महसूस कर सकता है, बाकी लोग नहीं जानते उसके बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम उसको उतनी ही इम्पॉर्टेंस दें जितनी कि हम जिस्मानी अमराज को देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मेंटल हेल्थ जो है इस दफ़ा जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपना जो मेंटल हेल्थ का थीम रखा है दैट इज़ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, जिसका मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्थ है वो हम सब के लिए है और हम सब के लिए ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के अंदर अपना वक्त देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको अहमियत देते हैं, वो उतनी ही बेहतर होती है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग जो है वो जितना एक्टिव होगा, जितना फ्रेश होगा और जितना कॉम्पिटिटिव आप कह लें कॉम्पिटेंट होगा उतना ही जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म, आपकी जो जिस्मानी अमराज हैं वो कम से कम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी किसी इलनेस में मुब्तला ना हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को देते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अगर किसी के बहुत कोई माइनर सा भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी को पेट दर्द भी होता है तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भी किसी को कोई ज़हनी मर्ज़ होता है, कोई डिप्रेशन महसूस करता है, तो हम उसके जो रिलेटिव्स हैं या आसपास के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको अपनी विल पावर से ठीक करो, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी और ये समझाना चाहूँगी कि जो ज़हनी बीमारियाँ हैं वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनका इलाज उतना ही ज़रूरी है। मैंने हमेशा कहा है और यहाँ भी कहूँगी कि जो अनसीन वूंड्स हैं दे आर मोर पेनफुल, उनका इलाज करिए, उनको देखिए और उनके लिए हम लोग साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप मरहम का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जो ज़हनी अमराज हैं या जो भी आपकी उलझने हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की नफ्सियाती उलझन में, किसी भी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं या आप किसी भी किस्म का कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं जो साइकाइट्री रिलेटेड हो, तो आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और मरहम के थ्रू जो है आप जल्द अज जल्द जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।